अभी बंगाल में एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ। इस रेल हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। जानकारी यही है कि सियालदाह से जा रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो कि एक मालगाड़ी से टकरा गई और इस टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि मानव गलती की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारे देश में हर साल ऐसे रेल हादसे क्यों होते रहते हैं? जबकि अगर एक दूसरे राज्य का आप देश का एग्जाम्पल लेंगे तो उस देश में 50 सालों से एक भी रेल हादसा नहीं हुआ है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा देश है, तो ये देश है जापान। जापान में आप सबको पता है कि बुलेट ट्रेन चलती है और जो ट्रेन की स्पीड होती है वो लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां ट्रेन चलती है। बजाय इसके यहां पर कोई भी ट्रेन आपस में टकराती नहीं है, ऐसे कोई हादसे नहीं होते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वहां पर ट्रेनों का संचालन कैसे होता है कि ऐसे हादसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं? आप सबको पता है कि जापान की ट्रेन बहुत ही सुरक्षित होती है, और न सिर्फ सुरक्षित होती है बल्कि जापान की किसी भी ट्रेन में आप चले जाइए, बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ सफाई वहां पर देखने को मिलती है। जो सीट होती है वो आरामदायक होती है और यात्रियों के लिए बेहद सुरक्षित और एक अच्छा साधन वहां का जो रेल है वो माना जाता है। दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन होने के बाद भी वहां पर ट्रेनों के हादसे की ऐसी कोई खबर सामने नहीं आती है। 50 साल से कम ऐसे किसी भी हादसे की खबर सामने नहीं आई है। बुलेट ट्रेन चलते हुए वहां पर 50 साल हो गए, बावजूद इसके आखिर कैसे वहां के ट्रेन इतने सुरक्षित है, ये सोचने वाली बात है। तो वहां पर जल्दी से मैं आपको बताती हूं जो चार ऐसे मानक हैं रेलवे की ओर से उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले जो ध्यान रखा जाता है वो है सेंट्रल मैनेजमेंट। सेंट्रल मैनेजमेंट क्या होता है? दरअसल कौन सी ट्रेन किस रूट पर चल रही है, कब जाएगी और कब कौन सी ट्रेन जो है वो एक ट्रैक से होकर के गुजरेगी, ये जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सभी शेयर किया जाता है सेंट्रल मैनेजमेंट के साथ, जो कि ये अश्योर करती है कि एक ट्रैक पर दो ट्रेनों का जो टकराव हो वो कैसे ना हो। यानी कि सेंट्रल मैनेजमेंट इतनी पुख्ता जानकारी देती है हर एक ट्रेन के मैनेजमेंट तक, वो इंक्वायरी पहुंचती है ताकि ऐसे किसी भी इंसिडेंट से, दुर्घटना से बचा जा सके। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है उसके बीच में बहुत अच्छा तालमेल है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरा एक जो बड़ा मानक है, जो बड़ी बात है, वो ये है कि ट्रैक पर हर समय निगरानी रहती है। जो रेलवे ट्रैक रहता है उस पर हर समय निगरानी रखी जाती है, यानी कि कोई ऐसी वस्तु या चीज तो नहीं ट्रैक पर फेंकी हुई है जिससे कि ट्रेन के संचालन में बाधा हो सकती है, कोई व्यक्ति गलती से ट्रैक पर तो नहीं ट्रैक क्रॉस कर रहा है या वहां पर दिख तो नहीं रहा है। ऐसी छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीजों की हर मिनट वहां पर निगरानी की जाती है, और ये सब कुछ रेलवे का मैनेजमेंट करता है। आप सोचिए, जब रेलवे ट्रैक पर इतनी निगरानी रहेगी तो भला कोई हादसा कैसे हो सकता है? तीसरा जो बड़ा कारण है वो ये है, आपको ये जानकर हैरानी होगी, वहां पर जो रेलवे है उसका भूकंप रोधी सिस्टम है। आपको पता है जापान में हर साल भूकंप आता है और उसके बावजूद रेलवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। एक टेक्निक का इस्तेमाल वहां किया जाता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ सिस्टम, इंस्टॉल किया गया है रेलवे की ओर से। ये ऐसा सिस्टम है जो कि भूकंप रेडिएशन को पहले ही रीड कर लेता है कि कब कहां भूकंप आएगा, कितनी स्पीड से भूकंप आएगा, किस ट्रैक पर यह भूकंप नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी जानकारी रेलवे के पास पहले से ही रहती है। तो जब जानकारी रहती है तो फिर उसी तरीके से सावधानी बरती जाती है। तो भूकंप आने के बावजूद रेलवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और यात्री बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेंटेनेंस है, और जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें बेहद सख्ती बरती जाती है, मेंटेनेंस और जांच में सख्ती बरती जाती है। अब आप जानते हैं कि हर चीज एक मेंटेनेंस चाहती है, खोजती है, उसका रखरखाव ठीक ढंग से हो। वैसे ही ट्रेनों के मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और साथ ही जो रेलवे ट्रैक है या ट्रेन है उसकी जांच में सख्ती बरती जाती है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी जो हादसा है वो ना हो सके। तो ये वो चार मानक हैं जो कि रेलवे की तरफ से विशेष तौर पर ध्यान दिए जाते हैं जब वहां ट्रेनों का संचालन किया जाता है, और यही वजह है कि जापान में किसी भी तरीके का रेल हादसा पिछले 50 सालों से देखने को नहीं मिला है। अगर ये संचालन की व्यवस्था और इन मानकों का ध्यान अगर भारत में भी रखा जाए या किसी भी देश में रखा जाए तो जाहिर है कि रेल हादसों से बचा जा सकता है।